दोस्तों, आज हम दो चिकन डिशेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मसाला हम पहले बता दिया, ये एक ही मसाला से आप बहुत सारा रेसिपीज बना सकते हैं चिकन का, बवेज। सो ये मसाला हम पहले शेयर किया है, अभी हम चिकन टिक्का बनाएंगे। वो क्या? लखनऊ चिकन टिक्का, और वो होगा बोनलेस ब्रेस्ट। हाफ ब्रेस्ट को लेके हम कट कर लिया। अभी जो मसाला हम बनाए थे आपको पहले शेयर किया, वो चेक कर लीजिएगा, बार बार हम नहीं बताएंगे। 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया, इसके साथ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। जैसे वीडियो में मिक्स कर रहे हैं आप ऐसे मिक्स कीजिए। आराम से एक एक चिकन टिक्का में अच्छे से कोटिंग होना चाहिए। और सॉल्ट तो हम पहले दे दिया, अगर जरूरत पड़े और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। हो गया ना अच्छे से कोटिंग। अभी इसको साइड में रखेंगे। अभी नॉनस्टिक पैन को गर्म होने देंगे और ऑयल ऐड करेंगे। देखिए 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड किया है और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल नॉनस्टिक पैन में ऐड किया है। इसको गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम में रख के। और 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबलस्पून कोटिंग के लिए यूज़ किया है। एक कॉर्नस्टार्च एक ऑल पर्पस फ्लावर अच्छे से कोट कर लिया। बहुत ज़्यादा कोटिंग हमको एकदम पसंद नहीं है, अनहेल्दी तो है, एक भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बस परफेक्ट हमको चिकन खाना ही है, टेस्टी एकदम हेल्दी टेस्टी चिकन खाना चाहिए। इसको आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं स्क्यू में, बट हम नॉनस्टिक पैन में जल्दी जल्दी बना रही हूँ। देखिए एक एक सेपरेट चिकन पीसेस को एक एक जगह सेपरेट करके हम नॉनस्टिक पैन में डाल दिया है। और इसको कवर नहीं करेंगे तो इसका जो वाटर है निकल आएगा और ग्रेवी बना देगा, टिक्का नहीं बनाएगा। सो आप भी ऐसा बनाइएगा ना, जब भी आपको खाने का मन होगा आप वो जो मसाला हम दिखाया है लखनऊ कश्मीरी मिर्च मसाला पेस्ट जो बना के आपको सिखाया है वो वाला एकदम फ्रिज में बना के रख दीजिए। और कोई भी अगर रेसिपी बनाना है तो बना लीजिए, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ेगा बाद। मैक्सिमम मेजर जो इंग्रेडिएंट है मेन इंग्रेडिएंट को आप पेस्ट करके रख दिए। देखिए टेस्ट के लिए आप विनेगर ऐड कर रही हूँ, ऐसे वैसे विनेगर नहीं, आप एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। इसको स्प्रेड करके अच्छा से टेस्टी बनाने के लिए टंगी टंगी स्पाइसी चिकन टिक्का हमको बनाया लखनऊ चिकन टिक्का। लखनऊ चिकन टिक्का में मतलब हम कश्मीरी मिर्च गोटा कश्मीरी मिर्च यूज़ किया है, बट हम लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, हम वो ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है। और आप कर रही हो फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा हल्का सा स्वीटनेस देने के लिए। कैसा लगेगा तीखा, ब्लैक पेपर पाउडर का तीखा और एप्पल साइडर विनेगर का थोड़ा सा टंगी, थोड़ा सा टेस्टी। आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं है लेमन जूस यूज़ कीजिए, हम हमेशा हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। और इसके साथ ऐड किया है थोड़ा सा ग्लोसी शाइनी एंड एरोमा के लिए फ्रेश क्रीम। ये तो किया लखनऊ चिकन टिक्का आपको बन जाएगी, ठीक है। अभी वही मसाला से आप क्या बना सकते हैं, देखिए जो टेंडर चिकन बा बोन विद बोन चिकन जो मिलता है उससे आप कड़ी बना लीजिए, बा चिकन मसाला बना लीजिए, चिकन काबास तंदूरी चिकन कुछ भी बनाए वो मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो बोले हैं वो जो मसाला कश्मीरी मिर्च मसाला पेस्ट जो आपको बना के सिखाया है उसी मसाला से तो बहुत सारा रेसिपी बना सकते हैं। सो लखनऊ चिकन टिक्का बन गया है। अभी उसमें गार्लिक को गार्लिक लीव्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए और लुक्स के लिए प्रेजेंटेशन के लिए। अभी सर्व कर रही हूँ। आपको देख के खाने का इच्छा नहीं हो रहा है? मेरा तो बहुत डर लग रहा है अभी उठा के एकदम खा लूँ, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सबको देख के खाना पड़ेगा। अभी कड़ी बना रही हूँ डिनर के लिए, वही सेम कश्मीरी गोटा कश्मीरी मिर्च पेस्ट जो बनाए थे वही मसाला फ्रिज में रखे थे उसे हम बना रही हूँ।
देखिए आराम से, जब भी आपको मन चाहे कढ़ी बना के रख दीजिए। मसाला बनाने का कोई झंझट नहीं है, झंझट को कम करने के लिए आपको मसाला बना के रखना चाहिए। दो दिन रखिए, ज़्यादा दिन रखने का कोई जरूरत, क्योंकि इसमें ऑनियन रहता है, ऑनियन जल्दी जल्दी सब्ज़ी को ख़राब कर देता है, आप तो जानते हैं, स्मेल आ जाते हैं। तो ज़्यादा दिन रखने का कोई ज़रूरत नहीं, कि इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाली थी ना। आप फ्रिज में बना के रखिए, दो दिन अच्छा से यूज़ कीजिए। इस टाइप की रेसिपी अगर पसंद है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्पना डाइट टिप्स एंड ब्लॉग विद बेल बटन। बाय बाय।